हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुलेखा, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर खालसा कॉलेज पटियाला। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम। द वर्ड मॉनिटरिंग इज डिराइव फ्रॉम लेटिन वर्ड दैट इज मॉनिटर विच मीन्स टू वॉर्न। कभी भी एक्सटेंशन प्रोग्राम में दो वर्ड्स मोस्टली आते हैं, पहला है मॉनिटरिंग, दूसरा है इवेल्युएशन। मॉनिटरिंग तब करते हैं जब हम किसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई प्रोग्राम वर्किंग में होता है और हम उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करते हैं, टाइम टू टाइम एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं कि जो प्रोग्राम हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो प्रोग्राम रनिंग में है, वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कितने स्टेक होल्डर, जितने इम्प्लॉयज उस प्रोग्राम में लगे हुए हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो हमने प्री डिटरमाइंड गोल सेट करा हुआ है किसी भी प्रोग्राम और प्रोजेक्ट के लिए, वो हमारा अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को उस प्रोग्राम उस प्रोजेक्ट के दौरान चेक करना ही मॉनिटरिंग कहलाता है, राइट? और सिंपल वर्ड्स में अगर कहें, हम मॉनिटरिंग मीन टू कीप अ वॉच ऑन व्हाट इज हैपनिंग एट ऑपरेशनल लेवल ऑफ एनी प्रोग्राम। यस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कभी भी जब हम किसी प्रोग्राम का हम एनालाइज करते हैं, उसको अच्छे से चेकआउट करते हैं, तो हम यही देखते हैं कि क्या हो रहा है उस प्रोग्राम में। जो भी हम जितने सारी चीज़ें लगा रहे हैं, जितने मेथड, जितनी टेक्निक हम ले रहे हैं उस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए, क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को फाइंड आउट करना, एनालाइज करना, उसको क्रिटिकली देखना, ये सब हम मॉनिटरिंग के द्वारा ही करते हैं। एंड इफ इट इन्वॉल्व कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन, मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसको देखते हैं कि भाई उसमें क्या प्रॉब्लम है या क्या नहीं है, उसके बाद प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के बाद हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उसके अल्टरनेटिव भी निकालते हैं, उसका सॉल्यूशन भी निकालते हैं। दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग। एंड मॉनिटरिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन टू कंपेयर हाउ वेल अ प्रोजेक्ट और प्रोग्राम और पॉलिसी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अगेंस्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जो हम रिजल्ट को एक्सपेक्ट किया है, हमने जो टारगेट हमने बनाया हुआ है अपने किसी प्रोजेक्ट का, किसी प्रोग्राम का, वो हमारा सही तरीके से सक्सेस हो रहा है, अचीव हो रहा है, हम अपने गोल को अचीव कर रहे हैं, अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को कंटिन्यूसली डे बाई डे एनालाइज करना, उससे रिलेटेड, उससे रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन, सारे डेटा को कलेक्ट करना ही मॉनिटरिंग कहलाता है। प्रिंसिपल ऑफ मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग के भी कई सारे प्रिंसिपल, कई सारे सिद्धांत हैं। सबसे पहला होता है मॉनिटरिंग मस्ट बी सिंपल। जो भी मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, वो बहुत क्रिटिकल ना हो। मॉनिटरिंग सबसे पहले तो डे बाई डे मॉनिटरिंग करी जाती है, और वो मॉनिटरिंग करने का जो तरीका होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए और सिस्टमेटिक होना चाहिए। प्रॉब्लम को, हर चीज़, जितनी भी प्रॉब्लम हो उसको सिंप्लीफाई करके उसको मॉनिटर करना चाहिए, ताकि किसी को भी उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सेकंड है मॉनिटरिंग मस्ट बी टाइमली। कभी भी मॉनिटरिंग हम टाइमली अगर नहीं करेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा रिजल्ट सही हमें मिल रहा है या नहीं, या फिर जो हमने टारगेट अचीव करना है, जो लोग काम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या नहीं। जब तक हम किसी चीज़ को बीच बीच में हम उसको एनालाइज नहीं करते हैं, उसके रिगार्डिंग हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आता, हम उसको चेक नहीं करते, तो हम ये नहीं कह सकते ना कि प्रोग्राम कितना प्रोग्रेस है या कितना फेल्योर है। तो ये डे बाय डे मॉनिटरिंग होती है और इसको हमेशा टाइमली करना चाहिए, क्योंकि अगर वक्त निकल गया, टाइम निकल गया, फिर हम मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। मॉनिटरिंग तब अगर हम उस टाइम करेंगे तो हमें कोई भी रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए मॉनिटरिंग का सिद्धांत होता है, एक प्रिंसिपल होता है कि जो प्रोग्राम रन कर रहा है, जो प्रोजेक्ट रन कर रहा है, उसके बीच में ही हम टाइम डे बाय डे उसको धीरे धीरे हम उसको मॉनिटर करते रहें, और अगर कोई कमी आ रही है, हम प्रोग्राम को कर रहे हैं वो फेल्योर हो रहा है या हमारा टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, तो हम उसके लिए एक्शन लें, कि हम उसके लिए कोई सजेस्टिव रिजल्ट बनाएं या फिर सजेस्टिव सजेशन दें लोगों को कि भाई इसमें ये कमी आ रही है और आपने इसको ऐसे सॉर्ट आउट करना है या इस प्रॉब्लम का इस तरह सॉल्यूशन करना है, ताकि हमारा इवेल्युएशन के वक्त जो हमारा रिजल्ट आए वो पॉजिटिव आए।
देन मॉनिटरिंग मस्ट बी रेलिवेंट। हाँ जी, कभी भी मॉनिटरिंग जो होता है हमें रेलिवेंट ही रखना चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, उसमें बायसनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी प्रोग्राम किसी प्रोजेक्ट में बायसनेस करते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, तो उसका रिजल्ट कभी भी एक्यूरेट नहीं आता किसी भी तरह से। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमें मॉनिटरिंग में। मॉनिटरिंग शुड बी एक्शन ओरिएंटेड, मॉनिटरिंग लीड्स टू एक्शन एंड इट शुड फॉलो प्रैग्मेटिक अप्रोचेज, मॉनिटरिंग मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव। मॉनिटरिंग कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे अब टेक्नोलॉजी नई नई आ गई हैं, कंप्यूटर का यूज होता है किसी भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में, किसी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, तो उसमें जो लेबर के जो चार्जेस हैं वो किसने कम कर दिए, कंप्यूटर ने कम कर दिए। कंप्यूटर बहुत स्पीड से ही सारे डेटा को उसको सेलेक्ट करके, उसको एनालाइज करके सारे रिजल्ट को शो करता है, तो एक तरह से जो कॉस्ट भी हमारे मॉनिटरिंग में कम कर दिया गया है, किसकी वजह से, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके लेबर के चार्जेस कम कर दिए गए हैं। तो मॉनिटरिंग मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव, जितना हम लगाते हैं उतना हमारा रिजल्ट भी आने की हम एक्सपेक्टेशन करते हैं। मॉनिटरिंग एफर्ट शुड बी पार्टिसिपेटरी, पार्टिसिपेशन और कॉपरेशन किसी भी प्रोजेक्ट किसी भी प्रोग्राम में बहुत नेसेसरी होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में या मैनेजमेंट में लोग काम कर रहे हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स काम कर रहे हैं, उनका पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, हमारा कोई भी प्रोग्राम चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो कभी सक्सेस नहीं हो सकता, कभी सक्सेस नहीं हो सकता, वो हमेशा फेल्योर ही होगा। तो अगर प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से हमें अपने टारगेट को अचीव करना है, ठीक है, तो पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर एक दूसरे के साथ लोग शेयर करके काम करके किसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली वो प्रोग्राम हमेशा सक्सेस होता है। लास्ट वन इज मैनेज मॉनिटरिंग यूनिट्स रिप्रेजेंट स्पेशलाइज अंडरटेकिंग। मॉनिटरिंग इज नॉट मेयरली कंसर्न विद द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा बट विद डायग्नोसिंग प्रॉब्लम्स एंड सजेस्टिंग अल्टरनेटिव प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। यस, आई ऑलरेडी टोल्ड इन प्रीवियस स्लाइड कि मॉनिटरिंग का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया या उसको एनालाइज कर लिया, बल्कि उससे रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम हमें डायग्नोस हो रही, जितनी प्रॉब्लम को हम देख रहे हैं उसके प्रति हम उसको सजेस्टिव अल्टरनेटिव या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालें ताकि वो प्रोग्राम को हम आगे सक्सेसफुली अचीव कर सकें। कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, द वर्ड इवैल्यूएशन हैज इट्स ओरिजिन इन द लैटिन वर्ड वैलिडी विच मीन्स टू बी स्ट्रॉन्ग और वैलेंट। इट्स डिक्शनरी मीनिंग आर द डिटरमिनेशन ऑफ द वैल्यूज द स्ट्रेंथ और वर्थ ऑफ समथिंग। Evaluation provides necessary feedback information about performance of extension programs and it is a comparison of situation before and after a development program has operated with in it for a predetermined period. Yes, मैंने बच्चे आपको पहले ही बता दिया कि evaluation जो होता है monitoring, मैंने आपको बताया कि monitoring हम कोई program को जब run कर दें, कोई program working में होता है या project working में होता है, उसमें हम day by day अपना मॉनिटर करते हैं, चेकआउट करते हैं उसके रिजल्ट को, उसके डेटा को। लेकिन जो इवैल्यूएशन होता है वो किसी भी प्रोग्राम के समाप्त होने पर, ठीक है, जो हमें रिजल्ट मिलता है हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, ये होता है हमारा इवैल्यूएशन। कि जो भी प्रीवियस सिचुएशन होती है प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने से पहले और प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट मिलता है, इन सब का कंपैरिजन, इन सब का एनालिसिस जो होता है वो इवैल्यूएशन होता है। Objectives of evaluation, first one is to study the factors contributing to success or failure of extension programs. किसी भी extension program की success or failure के जितने सारे factors हैं उनका contribution या उनकी study करना ही evaluation कहलाता है। And second one is to increase the confidence in the program both in extension worker and the people. अगर हम किसी को evaluate करते हैं उसका result निकालते हैं तो ये हमारे जो एक्सटेंशन वर्कर जो काम करते हैं उनका और जो उनके साथ जो लोग हैं, लोकल लोग पीपल हैं जो उनके साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं उस काम को करने के लिए, इससे उनका कॉन्फिडेंट इंक्रीज होता है। जब कॉन्फिडेंट किसी का तब इंक्रीज होता है जब हम किसी चीज़ का रिजल्ट जो हमें मिलता है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव रिजल्ट हमें तभी मिल सकता है जब हम किसी प्रोग्राम को मॉनिटर करेंगे टाइम टू टाइम, उसको इवेल्युएट करेंगे जिसमें कोई भी बायसनेस ना हो। थर्ड वन इज टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम्स विथ कॉस्ट। जितनी कॉस्ट हमने लगाई है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो रिजल्ट
को हम कंपेयर करते हैं कि हमारा रिजल्ट कितना सही आया जितनी हमने मेहनत या कॉस्ट लगाई है। फोर्थ वन इज टू फैसिलिटेट द प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट फॉर पब्लिक सपोर्ट, देयर बाय दिस सर्व द पब्लिक ऑफ पब्लिक रिलेशंस। अगर हम रिजल्ट पॉजिटिव दे रहे हैं किसी भी प्रोग्राम का, तो वो पब्लिक के लिए भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और वो पब्लिक उस प्रोग्राम से जुड़ेगी, उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अगर हम अपने किसी प्रोजेक्ट किसी प्रोग्राम में बायसनेस नहीं करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग उसका इवेल्यूएशन प्रॉपर तरीके से करेंगे, तो ये पब्लिक हमारे साथ जुड़े इसके लिए भी प्लस पॉइंट होता है। एंड देन टू प्रोवाइड अ मीन ऑफ टेस्टिंग अप्रोच एंड टेक्निक यूज इन द प्रोग्राम। Types of evaluation. First one is ex-ante evaluation. Second one is formative evaluation. Ex-ante evaluation होता है कि जब हम किसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते होते हैं, उसके पहले किसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने से पहले जो हमने लेआउट तैयार करा होता है, जो हम प्लान करते हैं, उसका इवेल्यूएशन करना ex-ante evaluation कहलाता है। फॉर्मेटिव और मिड टर्म इवेल्यूएशन होता है कि जब हम किसी प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, कोई प्रोग्राम चलता होता है और उस प्रोग्राम के दौरान जो चल रहा होता है उसमें हम इवेल्यूएट करते हैं, बीच में जा कर के टाइम टू टाइम उसको इवेल्यूएट करते हैं। प्रोग्राम के फिनिश होने से पहले पहले जब हम उसको इवेल्यूएट करते हैं, उसमें जितने करेक्शंस होते हैं उसको हम निकालते हैं, जितने हमारे प्रोग्राम्स में जितने सर्विसेज होते हैं, जितने रिसोर्सेज होते हैं, ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद हम डिसीज़न लेते हैं इम्प्रूव करने का। उनकी जितने भी लोग हैं उसके साथ जुड़े हुए प्रोजेक्ट उस प्रोग्राम के साथ, उनकी सर्विसेज को चेक करते हैं, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं उस ऑपरेशन के दौरान जब वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है, वर्किंग में है, उस इवेल्यूएशन को हम फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन कहते हैं। थर्ड वन इज सोमेटिव इवेल्यूएशन। दिस टाइप ऑफ इवेल्यूएशन अकर्स एट कम्प्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट सर्विस ऑफ प्रोग्राम एंड इज इंटेंडेड टू प्रूव द क्वालिटी वर्क और इम्पैक्ट फ्रॉम द एफर्ट। सोमेटिव इवेल्यूएशन होता है जब हम किसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, एक तरह से समरी जिसको कहते हैं कि हमने कोई प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद हम सारी चीज़ों को चेक करते हैं कि किस तरह का हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लीट हुआ, सर्विसेज या प्रोग्राम्स, और उसके जितने भी हमने एफर्ट करे थे उससे हमें क्या रिजल्ट मिला, क्या क्वालिटी में इम्प्रूव हुआ क्या नहीं हुआ, ये हमारा सुमेटिव इवेल्यूएशन होता है। कि हम एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट और एक तरह से हमारा जो होता है थोड़ा सा लास्ट का निकाल लेते हैं इवेल्यूएशन में, कि मतलब हमारा क्या रिजल्ट रहा है जो भी प्रोग्राम हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ। और एक्स पोस्ट इवेल्यूएशन होता है कि जब कोई प्रोग्राम फाइनली कम्प्लीट हो जाता है, उसके बाद हम जब उसके रिजल्ट को इवेल्यूएट करते हैं, वो होता है हमारा एक्स पोस्ट इवेल्यूएशन। दिस टाइप ऑफ इवेल्यूएशन अकर्स आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट और प्रोग्राम। और एक होता है मेटा इवेल्यूएशन। मेटा इवेल्यूएशन होता है कि इवेल्यूएशन का भी इवेल्यूएशन, जब हम किसी प्रोग्राम किसी प्रोजेक्ट का इवेल्यूएशन फाइनल कर लेते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है उसका भी इवेल्यूएशन जब करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटा इवेल्यूएशन।